हे गाइस, व्हाट इज़ अप, वेलकम टू माई फर्स्ट एवर ब्लॉग। एंड कैसे आप सब? दिस इज़ गोइंग टू बी रियली फनी। पहली बार ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन दी नॉट जस्ट इंडिया बट दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड हिल स्टेशन। वेलकम टू लवासा लेक सिटी। So I'm going to show you all the places, I'm going to show you all the hotels, I'm going to show you कि आप यहाँ पर आकर क्या क्या कर सकते हो, what are the activities, what are the hotels, लवासा के बारे में क्या अच्छा है, कहाँ घूमना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए let's begin। So guys, here I am। मैं बीच में रुक गया हूँ just to show you the aerial view of Lavasa Lake City। Just look at it. Many of my friends, जब भी मैं स्टेटस में ये सीन डालता हूँ, many of my friends call this जन्नत। मतलब this is actually, बोला ना मैंने कि मैन मेड हिल स्टेशन है, ये नेचुरली नहीं बना है। They have carved this mountain, they have made all these buildings, small townships and all these villas, bungalows। ये डैम भी ये लोग ने खुद बनाया है। दिस इज़ मर्क्योर होटल, पहले मर्क्योर था, अभी सेलिब्रेशन हो गया दिस वन। उसके पीछे है फॉर्च्यून एंड दिस इज़ दी टाउन हॉल। उसके बाजू में दिख रहा है वो वाटर फ्रंट शॉटल है एंड आई थिंक या दैट्स वाटर स्पोर्ट्स, बोट चल रही है। सो वाटर स्पोर्ट्स चालू हो गया है। मैनी थिंग्स हैव बीन रिज्यूम। ज़्यादा जो भी सर्विसेज थी वो चालू हो गई, होटल्स चालू हो गए, एक्टिविटीज़ चालू हो गई है। सो मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ बिकॉज व्हेन यू एंटर लवासा तो आपको सबसे पहले यही जगह दिखने वाली है एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्टॉप हियर टू टेक सम पिक्चर्स एंड वीडियोज़। तो गेट बाजू में ही है, जस्ट टू शो यू दैट इज़ द गेट। यहाँ से लाइक जस्ट 100 मीटर्स आई गेस, 100 मीटर्स पे ही यू आर गोइंग टू गेट दिस व्यू। मैं रुक गया बिकॉज सनसेट हो रहा है। जस्ट लुक एट इट। तो लेट्स गो डाउन एंड आई विल शो यू ऑल दी थिंग्स। आई विल शो यू द मार्केट प्लेसेस, आई विल शो यू व्हाट्स अवेलेबल, खाने को क्या मिलता है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। आई एम गोइंग टू शो यू कौन से होटल्स में एक्टिविटीज़ है, कौन से होटल्स में खाना अच्छा है एंड ऑल दैट। तो चलिए। तो गाइज आई हैव मेड अनदर स्टॉप एंड ये गेट से कुछ 5 से 10 मिनट और नीचे है। You can see behind me there is this helipad। यहाँ पर helipad भी है for emergency, अगर कुछ होता है like। and basically ये बंद किया हुआ है and यहाँ पे फोटोग्राफी आई थिंक अलाउड नहीं है। तो helipad से याद आया, यहाँ पर हमारे भाईजान बहुत बार लैंड हुए हैं and भाईजान से I mean Salman Khan, because the entire shooting of his movie Jai Ho was done in Lavasa। Not the entire but basically 90% of the movie was shot here। अगर आप फ्लैशबैक में जाके देखोगे जय हो मूवी जो सोहेल खान ने डायरेक्ट की थी आई थिंक एंड सलमान खान वॉज द हीरो। डेजी शाह की पहली मूवी थी एंड आई थिंक 2013 या 14 में बनी थी। तो 90% ऑफ द मूवी हैज़ बिन शॉट हेयर। यहीं का हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल, मैनी ऑफ द विलाज एंड वो होटल के सीन्स एंड ऑल दैट। एंड सलमान खान यूज़ टू ट्रैवल थ्रू अ चॉपर, तो वो यहीं पे लैंड होते थे। ही नेवर यूज़ टू कम बाय कार बिकॉज मुंबई से कार से आओगे अगर आप तो अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगते हैं। सो दिस इज़ द हेलीपैड। मूविंग अहेड, चलो नीचे चलते। सो गाइज आई हैव रीच डाउन, नॉट एग्जैक्टली डाउन बट ऑलमोस्ट डाउन एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एकांत होटल। सी दैट दिस इज़ एकांत रिट्रीट। यहाँ से भी अच्छा खासा व्यू दिखता है इफ यू स्टॉप। जस्ट लुक एट दिस। तो यहाँ से मैंने एक टाइम लैप शूट किया जो मैं आगे डालने वाला हूँ। So this is the time lapse guys, बीच में ही डाल दिया मैंने। Just enjoy it, just look at the sunset। नीचे जेट्स की चल रही है। This is the dam and just look at the top left corner, the moon has arrived। How is it? Look at the moon. दिख रहा है क्या? तो this is the lake, the Sahyadri Hills, and ये है लवासा Lake City to be precise. ये बेसिकली यहाँ का डैम है जो बनाया हुआ है ये लोगों ने, एंड वो सामने जो दिख रहा है वो कॉर्नर पे कल मैं जाके टाइम लैप्स बनाऊंगा। सो दिस इज़ द टाइम लैप्स जो मैं बोल रहा था सामने के हिल से बनाया है, एंड एग्जैक्टली इफ यू सी इन फ्रंट ऑफ द ब्रिज तो वहीं पे ऊपर खड़ा होके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे अभी बात कर रहा हूँ। सो हाउ इज़ इट बताओ। मैं यहाँ से एक बना लिया है ऑफ द सनसेट, काफ़ी हवा चल रही है। तो दिस इज़ अनदर व्यू जहाँ पे आप रुक सकते हो अगर आप रुकना चाहो तो, एंड यू कैन टेक पिक्चर्स एंड देन यू कैन गो डाउन। बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ से यू कैन जस्ट सी द एंटायर लेक। अमेजिंग राइट। यहाँ पर सो दिस बेसिकली इज़ द सेकेंड सिक्योरिटी चेक पॉइंट। इसके पहले जो ऊपर है वो मेन गेट है, वहाँ पे सिक्योरिटी आपको रोकेगी, एंड यहाँ पर आके यू हैव टू पे। कार के लिए इट इज़ 500 फॉर 4 व्हीलर, एंड 2 व्हीलर के लिए इट्स 200। तो ये इफ़ यू हैव दिस पास, ये सिर्फ सिटीज़न लोग के लिए पास है। तो बेसिकली अगर आप सिटीज़न हो तो आपके पास ये पास होगा, तो यू डोंट हैव टू पे, बट इफ़ यू आर अ टूरिस्ट यू हैव टू पे। सो हियर वी आर, पहुँच गए लवासा। यहाँ से सीधा जाओगे तो 2-3 hotels है, but the residence and the town hall etc. so all the activities on this side. रात हो गई है, it's been dark. Hi Yuvi. Hi. तो ये एक्चुअली में है पोर्टोफिनो स्ट्रीट। तो यहाँ पर जहाँ पे जितने भी फ्लैट्स, विलास, बंगलोज है, सबके अलग अलग स्ट्रीट्स के नाम है, एंड ये है लेक शोर वाटर स्पोर्ट्स एरिया। यहाँ से आप नीचे जाओगे तो आपको वाटर स्पोर्ट्स की एंट्रेंस है ये एक्चुअली में, एंड यहाँ पे राइट में जो दिख रहा है इटोलॉजी रेस्टोरेंट है, ये सबसे पहला रेस्टोरेंट है यहाँ का, अच्छा खाना मिलता है। लेफ्ट में आपने देखा यहाँ से भी नीचे जा सकते हो, यहाँ से भी नीचे जा सकते हो, एंड लेफ्ट में एक और रास्ता है, यहाँ से भी नीचे जा सकते हो। तो बेसिकली 3-4 रास्ते हैं जहाँ से आप नीचे जा सकते हो। सो गाइज आई हैव रीच्ड डाउन, घर पहुँच गया हूँ मैं। And I'm going to take you. तो मैं नीचे लेके जाने वाला हूँ आपको, and right now I'm in Portofino Street. बस थोड़ा और अंधेरा हो जाए, I'm going to show you the night life of लवासा, नीचे क्या क्या मिलने वाला है, and street पे क्या क्या चालू है, क्या क्या नहीं चालू है. There are tourists. जो अच्छी बात है, what I'm liking is के tourist है, अगर tourist नहीं होते तो problem होती है. So this is the place जहाँ पर हमने पूरे lockdown के 5 महीने बिताए, सॉरी 4 महीने. सो आई एम गोइंग टू गो अप एंड शो यू द व्यू फ्रॉम अप. ये है सो जो माउंटेन दिख रहा है सामने का, वहाँ पे से हमने स्टार्ट किया था अपना व्लॉग, दैट साइड टू बी प्रिसाइज. सो गाइज रात का टाइम में बेसिकली कुछ दिख नहीं रहा है. आई एम गोइंग टू शूट इन द मॉर्निंग. प्रॉपरली कुछ दिखेगा नहीं तो मतलब ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स आर शट डाउन बिकॉज अभी तक इतनी पब्लिक आई नहीं है. कुछ कुछ है जो चालू है, एज यू कैन सी बिहाइंड वो एक चालू दिख रहा है, ये वाला, एंड 2 चालू है, सॉरी 2 या 3 चालू है. कल मॉर्निंग में प्रॉपरली दिखाऊंगा. अंधेरा है, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. नाइस. दैट्स इट. कल सुबह दिखाता हूँ मैं. कल सुबह नहीं तो आफ्टरनून में पूरा प्रोमिनेंट वॉक करूँगा, एंड रेस्टोरेंट्स कौन से चालू है, कौन सा होटल्स चालू है, सब बताऊँगा. तब तक टाइम लैप्स एंजॉय करो. Guys, I'm back. तो कैसा लगा टाइम लैप्स बताओ कमेंट करके। एंड राइट नाउ 5 बज गए हैं एंड आई एम गोइंग टू गो डाउन बिकॉज कल अंधेरा था, मैं नीचे जाके आपको दिखा नहीं सका। बट अभी वील गो डाउन एंड उसके पहले आई जस्ट शो यू द व्यू। We go down from here, व्यू भी चल रहा है अपना स्कूटर लेके। बेसिकली अकेला नीचे जाने नहीं देता मुझे। आपने शूज क्यों नहीं पहना? शूज क्यों नहीं पहना आपने? शूज नहीं पहनेगा क्यों? चप्पल पहनेगा, वो ऐसे चलेगी। तो दिस इज द प्रोमिनेड। यहाँ से इट विल कम डाउन। ऐसे सेम स्टेयर्स और 3 से 4 जगह में है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है आज। ज़्यादा होटल्स जो करंटली बंद है। तो अलग ही मज़ा है यहाँ। क्या है वहाँ? दासवे लेक और डैम, जो भी आप कहना चाहें। अमेजिंग। वो देखो क्लाउड, देखा कितना मस्त दिख रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ना, यहाँ पर सीसीडी है तो बंद हो गया। उसके बाजू में एक वाइन बार था, दिस इज ऑल्सो शट डाउन। तो दीज आर द ओनली 3 होटल्स, 2 to 3 होटल्स, दिल्ली ढाबा, पुस्ता कबाब और फास्ट फूड एक्सप्रेस, ये 3 ही हैं जो चालू रहते हैं मोस्टली। तो ये है 2 होटल्स जो चालू है। एंड आई फॉरगॉट टू शो, वो पीछे की जो बिल्डिंग है ना, वो वाटरफ्रंट का होटल है। देयर इज़ लॉजिंग एंड बोर्डिंग आउट देयर। यहाँ पे 2 बैंक्स भी है, वन ऑफ देम इज़ यूनियन बैंक एंड द अदर वन इज़ SBI। दिस इज़ द यूनियन बैंक। आई डोंट नो व्हाई आज पब्लिक बहुत कम है। तो आज बेसिकली पब्लिक बहुत कम है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी वीक एंड आने वाला आया नहीं है, वीकडे पे शूट कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज़ अनदर प्लेस। यहाँ से जो ब्रिज है, यहाँ से यू कैन गो टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। एंड ये एक और स्टेयर्स है जो मैंने बताया। तो ये वो स्टेयर्स है, दिस वन, जहाँ पे इफ़ यू गो बैक, सलमान खान की जो पिक्चर थी एज अ सेट जय हो, उसकी पूरी शूटिंग यहीं पर हुई है। एक कौन सा तो गाना था, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसा कुछ था वो, उसकी शूट यहाँ पे हुई है। एंड ऑन दिस ब्रिज एज वेल। यूवी इज द वन हू इज एंजॉइंग द मोस्ट। एंड यहाँ से भी देख लो, लास्ट तक जाऊँगा आगे तक। दैट इज द एंड ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ पे वाटर स्पोर्ट दिख रहा है। क्या है यहाँ पे अभी? वाटर। so much। गिरना है आपको? No. तो? क्या होता है? बेसी होता है, चलती है मैं। चलो आगे लेके जाएगा साइकिल, स्कूटर आगे लेके जाएगा। चलो गिरना नहीं नीचे। अभी स्लोली। Okay. गाइस, दिस इज़ द लवासा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर प्लेस। यहाँ पे मोस्टली जो एक्टिविटी दिख रही है एवरीबॉडी इज साइकिलिंग। तू नीचे क्यों जा रहा है? डर नहीं लगता है? क्या क्या? चलो आओ, ऊपर आओ। स्कूटर चलाओ। ये वन का स्कूटर चलो चलाओ। यहाँ पे मैप्रो का स्टोर हुआ करता था। आई डोंट नो वाई ये बंद हो गया है, और मे भी लॉकडाउन के बाद खुला ही नहीं है। तो मैप्रो की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। एंड ये जो कन्वेंशन सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर में देयर यूज्ड टू बी मेनी फंक्शंस, लाइक किसी को शादी करनी है, जो भी फंक्शन है, दिस इज़ यूज्ड फॉर दैट ओनली। चलो यहाँ पर उस साइड चलो। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक पानीपुरी एंड चाट काउंटर है, एज यू कैन सी। थोड़ा सा आगे चलोगे तो लेफ्ट में ये देसी खिचड़ी है। यू गेट different types of coffees and snackers like sandwich, pizza and all that, grilled sandwich etc. लेफ्ट में एक और एक होटल था जो currently बंद है, and आगे भी और होटल्स है। I'll just show you, just come ahead. इसको हर जगह रुकना होता है, है ना? मुझे तो हर जगह रुकना होता है। टच नहीं करना, डोंट टच, डोंट टच। वो देखो बोट आई, वो सामने बोट आई। देखा वो पास है, बोट में जा रहा है पानी में। देखा क्रोकोडाइल में गए। क्रोकोडाइल नहीं है, ये भी पानी में फिश है, फिश। यस यस, देखो उसमें देखो बोट आई। बोट को सबको बाय कर दो। बोट को बोट बाय बाय। बोट वो जा रहा है अभी। राजा साइड दिस इज अ फैमिली बोट। इसके अंदर 6-7 लोग बैठ सकते हो इजीली। इसका चार्जेस आर अराउंड 600 आई थिंक फॉर अ फैमिली ऑफ 4। आई रिमेंबर दिस बिकॉज स्टार्टिंग में हम लोग इसमें गए थे एंड वी वर 4 पीपल एंड 2 किड्स, तो दे आर चार्ज 600 रुपीज़। फ्रॉम दिस प्लेस आई फॉरवर्ड यू गोइंग टू गेट तंदूर चाय। तंदूर चाय you can get some ice cream and sandwich, pizza etc. Happy sandwich is in this place. यहाँ पे स्मोकिंग जो पिज्जा भी था आई थिंक वो बंद हो गया है। तो इंडिया एक्सप्रेस पे मोस्टली वेंकीज़ के आइटम्स अवेलेबल है, पिज्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, बर्गर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी आगे चला गया है वो। तो काफ़ी बड़ा प्रोमिनेंट वॉक है। आई डोंट नो मैं पूरा वीडियो में डालूंगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू कट एंड शो यू सम मेन थिंग्स। boating is on I just can't get my eyes off this. मुझे regret भी हो रहा है. I'm going to miss the time lapse. Okay, let's look at this video. That was the speedboat. Speedboat का कैसा है ना, you cannot ride it alone. पीछे जो ride करने वाला बंदा है वो उनका ही होता है. And ये I think 600 for sure single ride का है, जिसमें वो 2 या 3 round पूरा आपको घुमाते हैं. It's coming again. वो लोग बैठे हैं, what is the use पता नहीं. बस एक मज़ा ही आएगा खाली घूमने, आगे पीछे आपको समझ में आएगा. तो वो पैडलिंग वाली बोट भी है एंड फैमिली बोट भी है एंड स्पीड बोट भी है. बट स्पीड बोट में एज आई सेड यू कांट सिट अलोन. जो उनका राइडर है वही चलाएगा, आप सिर्फ बैठोगे. तो यहाँ से यू एंटर द वाटर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी एरिया, लेक शोर वाटर स्पोर्ट्स जो मैंने दिखाया था आने के टाइम. वहाँ से रास्ता नीचे आता है. You won't believe this, मैं पहली बार इन ऑल दिस ईयर्स यहाँ पर आया हूँ फ्रॉम द प्रोमिनेड. एक बार आया था जब बोटिंग करनी थी विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड आज पहली बार आया हूँ जस्ट टू शूट दिस व्लॉग. चलो लेट्स सी. तो दिस इज द वाटर स्पोर्ट्स काउंटर एंड ये है वाटर स्पोर्ट का एंट्रेंस. Just beside this there is some activity for kids and छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी है, क्रेजी कोला. आई थिंक करंटली ये एक लौता रेस्टोरेंट है जहाँ पर यू कैन गेट वड़ा पाव. क्या है वो? क्या चाहिए? ये तो क्या, ये ऊपर चाहिए. क्या करेगा यू उसको? क्या करेगा युवान उसको? क्या करोगे आप उसको? क्या करेगा युवान उसको? खाएगा? खाते नहीं है उसको, एप्पल नहीं है वो. दैट इज नॉट एप्पल. चलो तो यहाँ से एक अच्छा खासा व्यू है ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स एरिया. इफ यू हैव अ टिकट तो ये वो लोग अंदर जाने देंगे. यहाँ से एंट्रेंस है. तो दीज आर द रेट्स ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स गाइस. एक बार देख लो ध्यान से. फैमिली बोट, जेट स्की, पीडब्ल्यूसी बोलते हैं उसको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दीज आर द रेट्स. तो गाइस यहाँ से भी रास्ता है नीचे आने के लिए. यहाँ से भी यू कैन कम डाउन. देयर आर 4-5 वेज जहाँ से यू कैन कम डाउन. एज यू कैन सी गाइस, ये जितने भी होटल्स है ये मोस्टली बंद है जस्ट बिकॉज लॉकडाउन आई गेस. जितने भी होटल्स है करंटली बंद है. ये एक्सरेल का रेट कार्ड है, एक्सरेल भी बंद हो गया बेसिकली. यहीं से सामने देखोगे तो एक्सरेल था. दिस इज़ द टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर जहाँ पे यू हैव टू कम इफ़ यू वांट टू गो इन द ट्रेन. ट्रेन में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन है. तो दिस इज़ द ट्रेन. ये बेसिकली ट्रैक्टर को वो लोग ने मॉडिफाई करके ना ट्रेन की बॉडी चढ़ाई है. तो इफ़ यू वांट टू गो इन दिस ट्रेन, पूरा दर्शन लेना है तो यू हैव टू पे 100 रुपीज़. टूरिस्ट सेंटर में जो नीचे दिखाया इसमें बैठ के ये पूरा लवासा घुमाएगा आपको। तो इट्स बेसिकली फन ट्रिप, फैमिली के साथ बैठना है तो बैठ सकते हो। एंड पीछे ये छोटा सा फोटोग्राफी के हिसाब से बनाया हुआ है, गार्डन टाइप यू कैन से, बट इट इज़ एक्चुअली अ सिटिंग एरिया। तो यहाँ पर यू कैन कम एंड टेक सम पिक्चर्स, चिल आउट विथ योर फैमिली, बैठ सकते हो आप, फोटोग्राफी कर सकते हो। काफ़ी टाइम पहले यू नो मुंबई का निखिल ने यहीं पे ऐसे ब्लॉग शूट किया था। तो बेसिकली ये जो बनाया हुआ है ये इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ लंग शोइंग। अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पे बिकॉज देयर इज़ फ्रेश एयर, ऑक्सीजन अच्छा है बिकॉज ऑफ नो पोल्यूशन। यहाँ से ऊपर जो स्टेयर्स जाती है जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था वो जो गार्डन है, एंड एग्जैक्टली इफ यू गो स्ट्रेट फ्रॉम योर टाउन वाले यहाँ से, इफ यू गो स्ट्रेट तो यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो ये जो भी शॉप्स दिख रही है दिस इज़ द मार्केट प्लेस। यहाँ पर ही रेस्टोरेंट्स है, वेज एंड नॉन वेज, चाइनीज़, इंडियन, महाराष्ट्रन, वॉट नॉट। यू कैन गो स्ट्रेट पास योर कार देयर एंड ईट। सो दैट्स इट गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट एवर व्लॉग। बताओ कैसा लगा। देयर माइट बी मिस्टेक्स, इग्नोर द मिस्टेक्स। पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ एंड तो सोचा क्यों ना यहाँ से बनाया जाए बिकॉज दिस हैज़ बिन द प्लेस वेयर वी हैव स्पेंड द एंटायर लॉकडाउन। एंड अभी तक टच वुड ये ग्रीन जोन है, एक भी केस नहीं है ऑफ कोविड। एंड क्योंकि दिस इज़ मैन मेड फर्स्ट हिल स्टेशन, आदमी का बनाया हुआ बोलते हैं ना, पहला हिल स्टेशन है तो इट इज़ डिफरेंट। आओ अपनी फैमिली के साथ एंड डोंट स्टे फॉर लाइक 1 और 2 डे। आपको कम से कम आई गेस 3 से 4 दिन तो चाहिए ही चाहिए बिकॉज आने जाने को ही 4-5 घंटे लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आर फ्रॉम गुजरात ओनली, आई डोंट नो वाई। जितनी भी गाड़ियाँ आती है ट्रैवलिंग की वो गुजरात की होती है, गुजरात एंड सम ऑफ देम आर फ्रॉम कर्नाटक। तो रैपिंग अप, इसके बाद मैं बनाऊँगा वीडियो ऑन द होटल्स जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। देयर आर सम गुड होटल्स ऑल्सो एंड सम रेस्टोरेंट्स ऑल्सो जहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलेगा। तो ऑल आई कैन से सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आगे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले स्पेशली ऑन फूड ब्लॉग्स। एंड फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। तो लेट्स टेक योर लीव, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।